हरे कृष्णा। जो गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है वह हमें भी प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण जी से हमारी यही प्रार्थना है। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त हो आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वे जो अव्यक्त परब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में से कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं, मैं यह मानता हूँ। परंतु जो इंद्रियों को संयम में करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति में प्राणी कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों को मैं थोड़े समय में ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझमें ही मन रखो, मुझमें ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझमें ही निवास करोगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझसे अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास भी ना हो सके तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति ही प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी ना कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से ही कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है, और जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझमें अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है, जिसे ना लोगों का भय है ना लोगों से डरता है, ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों के भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्यारा है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र पक्ष, निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर करने वाला, ऐसा मेरा जो भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न ना हो, किसी से द्वेष ना करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अशुभ और शुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख तथा दुख समान है, और जो वासनाओं से रहित है, निंदा एवं स्तुति को समान जानता है, जो मुझमें श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश के अनुसार करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्रीमद् भगवद गीता 12वें अध्याय का मातम। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था। उसके नगर में एक अत्यंत लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मांस मदिरा का पान करें, मांस खाएं, भोग भोगें, और जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो कह दें कि हम यहाँ रहकर देवी की सेवा करते हैं, ऐसा झूठ कहें। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की, तब देवी ने प्रसन्न होकर बोली, पर मांगो, जो मांगेगा वही दूंगी। उसने धन संतान का सुख मांगा। देवी ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें अवश्य संतान दूंगी, पर एक काम कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया, भगवान प्रसन्न हुए तथा नारायण जी गरुड़ पर बैठकर आए और कहा, हे ब्राह्मण, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा, इन दोनों का उद्धार कैसे होगा? नारायण जी बोले, हे प्रिय, गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो दोनों का उद्धार हो जाए। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति कर धन्यवाद दिया।
विप्र ने गणिका और लंपट को बैठाकर गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही दोनों की देह छूटी और देव देह पाकर दोनों वैकुंठ हो गई। वान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय हो।